बोलिए सद्गुरुदेव की। आवाज ही नहीं आ रही है, लगता है पंडाल में कोई है ही नहीं ऐसे। आप लोग, मैं कुछ सरल से विषय पर चर्चा करना चाहूँगा और आप लोग शांति से सुने, ध्यान से सुने तो हो सकता है उसमें कुछ आपको मिल जाए। मॉनिटर भी बढ़ाएंगे, सभी लोग एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु अभिलाष साहेब की, मौनी बाबा की। परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, बहुत सुंदर ढंग से संतों के विचार सब सुने, व्यवहार पर, प्रेम पर, घर को सुंदर कैसे बनाना है, आपस का प्रेम कैसे घर को बदलता है, बहुत सुंदर ढंग से सभी ने विचार सुने। थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे, आवाज बढ़ाइए। आइए मैं भी आप सबके समक्ष उनसे हट करके थोड़ी चर्चा करें। घर बनता है प्रेम से, और घर बनाने से पहले खुद को बनाना होगा। हम अपने जीवन को तरासे, तरासना सीखे जीवन को। यदि हम अपने जीवन को तरासते हैं तभी हम घर को घर बना सकते हैं, परिवार को परिवार बना सकते हैं और सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम अपना जीवन नहीं तरासा है तो हम दूसरे को सुधार नहीं सकते, दूसरे को बदल नहीं सकते। इसलिए खुद को तरासना सीखे। जितना ही आप अपने को तरासते जाते हैं उतना ही आपका महत्व बढ़ता चला जाता है, उतना ही आप महान बनते चले जाते हैं, उतना ही आप महान बनते चले जाते हैं। जिस पत्थर पर छिनी हथौड़ी के चोट से पत्थर को चुभन महसूस हो, उस पत्थर मूरत भगवान का मूरत नहीं बन सकता है। वैसे ही जो व्यक्ति समाज के ठोकरे से, समाज के प्रतिकूलता से अपने में घबरा जाता है, अपना सुधार नहीं कर पाता है, वह आदमी महान नहीं बन सकता है। जिस खेत में हल की जुताई से खेत को चुभन महसूस हो, वो खेत में अनाज पैदावारी नहीं हो सकता है। वैसे ही जिस व्यक्ति को किसी के बातें चोट लगती है, अहंकार सामने टकराता है, तो आदमी अपना सुधार नहीं कर सकता, अपने को नहीं तराश सकता है। एक आदमी रास्ता से चलते चलते जा रहा था, रास्ते से चलते चलते देखा एक मूर्तिकार बहुत सुंदर मूर्ति बना रहा है। मूर्तिकार के पास जा करके वो कहता है, व्यक्ति, हे मूर्तिकार, तूने कितने सुंदर मूर्ति बनाया है, बहुत ही अच्छा मूर्ति बनाया है। मूर्तिकार कहते हैं, हे राहगीर, विशेषता मेरी नहीं है, मैंने मूर्ति नहीं बनाया है, मैंने तो बस इतना ही काम किया है कि जो पत्थर में बाह्य अंश था उस बाह्य अंश को काट काट करके निकालता गया, पहले से मूर्ति विद्यमान था, मैंने अलग से बनाया नहीं है। आपके जीवन में भी ऐसा है, आप महान हैं, बस आप अपनी सही परिचय नहीं जान पा रहे हैं। आप योद्धा हैं, अपने जीवन में युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, युद्ध तो कर रहे हैं लेकिन बाहर युद्ध कर रहे हैं। आत्मा के साथ लड़े, बुराइयों के साथ लड़े। यदि जीवन में अपने बुराइयों के साथ लड़ते जाएंगे, अपने कलमश के साथ लड़ते जाएंगे, अपनी गंदी आदतों के साथ लड़ते जाएंगे, एक दिन ऐसी स्थिति आएगी आपका निखार हो जाएगा, आप महान बन जाएंगे। मूर्तिकार को फिर कहते हैं, मूर्तिकार कहते हैं, मैंने छीनी और हथौड़ी का चोट मारता गया और बाह्य अंश को काट काट करके निकालता गया और ये भगवान का रूप बन गया। लेकिन राहगीर, एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने एक दूसरे पत्थर को भी छीनी और हथौड़ी का चोट मारा था, लेकिन वह पत्थर मेरी छीनी और हथौड़ी का चोट नहीं सह सका, वह पत्थर टूट करके बिखर गया। और जो आदमी
किसी के बातों पर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वो क्या होते हैं पता है? मंदिर में जाने से पहले आदमी उस पर पैर रख करके कुचल करके आगे बढ़ते हैं। और जो पत्थर की तरह छीनी और हथौड़ी का चोट सहता है वह भगवान का मूरत बन जाता है और लोग उसके सामने जा करके नतमस्तक होते हैं, उनका दर्शन करते हैं, झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। आप तराशिए जीवन को, जीवन बहुत बेशकीमती है। आज जो इतना सुंदर जीवन मिला है वो कल के भरोसे पर मत रहिए। हीरे को तराशने के बाद में हीरा का कीमत बढ़ता चला जाता है। जब हीरा नहीं तराशा गया हो तो हीरा मात्र काला कोयला जैसे दिखता है, लेकिन वही हीरे हैं तराश देने के बाद में 2 लाख रुपए के हीरे चढ़ चढ़ 6-6, 8-8 लाख रुपए पर बिकती है। तराश दिया गया, कीमत बढ़ता चला गया। आप तराशिए जीवन को, जितना ही तराशेंगे, जितना ही आप अपने मन को धोते जाएंगे, उतना ही आपका जीवन तरह साफ होता जाएगा। जैसे एक आदमी नल खोलता है और वहां से पानी लेता है, तो पानी लेता है तो कितने में मिलता है पानी? 0, बिना पैसा के पानी मिल जाता है। लेकिन वही पानी को रिफाइंड कर दिया जाता है, वही पानी को तराश दिया जाता है, वही पानी रिफाइंड करने के बाद में 1 लीटर के बोतल में भर करके बेच देते हैं, वही पानी है 20 रुपया लीटर पे मिलता है। तराश दिए गए पानी का कीमत बढ़ता चला गया। वही पानी रेलवे स्टेशन में जाते हैं 30-40 रुपए में मिलता है, वही पानी एयरपोर्ट में जाते हैं 50 रुपया लीटर में मिलता है। आप अपने जीवन को तराशिए। एक सिंपल सी लोहे की पट्टी है, लोहे की पट्टी को आप कहीं कबाड़ वाले के पास बेचते हैं तो लोहे की पट्टी मात्र 20-25 रुपए किलो में निकलती है, लेकिन वही पट्टी को लोहार तराश देता है, सुंदर रूप दे देता है, वही लोहे की पट्टी 100-150 रुपए किलो पे निकलती है। आप अपना कीमत जानिए, अपना कीमत जानिए। आपका जीवन इतना बेशकीमती है, अपना कीमत महत्व समझिए। अपने बाहों बल पर भरोसा रखिए और अपना हुनर बढ़ाते जाइए, अपनी योग्यता बढ़ाते जाइए। भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए, अपने जीवन को तराशते जाइए। अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, अपने बाहों बल पर भरोसा रखिए, अपने बुलंदियों पर भरोसा रखिए। आप जो चाहे कर सकते हैं, आप में हिम्मत और साहस होना चाहिए। भगवान पर भरोसे बैठे बैठे जीवन बर्बाद हो जाएगा, और यदि भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे ना, वो आदमी धोखा खा जाता है। यदि आज पूरा विश्व भगवान के भरोसे बैठे रहते तो ना जाने लाशों की गिनती नहीं होती। जब कोरोना महामारी चल रहा था तो भगवान के भरोसे बैठे रहने से सब चौपट हो जाता। जो लोग भगवान मानते हैं उनसे मैं याचना करता हूं, निवेदन करता हूं, यदि आपके भगवान हैं तो मैं एक प्रश्न करता हूं कि इतना अन्याय, इतना अत्याचार, इतना आतंकवाद, इतना बलात्कार, इतना नक्सलाइट, ये सब कहां से पैदा होते हैं? आप कभी कभी कहते हैं जो कुछ हो रहा है भगवान के कृपा से हो रहा है, तो मैं एक प्रश्न करता हूँ, यदि भगवान की कृपा से हो रहा है तो आज जितने भी आतंकवाद और नक्सलाइट के हाथों से गोलियां निकल रही है, बारूदें निकल रही, वो भी तो भगवान की कृपा है, फिर उन लोगों को दंडित क्यों किया जाता है? आप अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, अपने जीवन को तराशिए। आपको अपने जीवन पर भरोसा नहीं है, आपको एक छोटी सी ताबीज पर भरोसा है। यहाँ ताबीज बांध लेते हैं, यहाँ ताबीज बांध लेते हैं, सुंदर शरीर को बेडौल बना देते हैं। आप अपने ताबीज पर भरोसा है, आपको अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है। विश्वास रखिए अपने कर्मों पर। अगर लाख बुराई करते हैं, बुराई करते जाए और हजार ताबीज क्या, लाखों ताबीज बांध ले, कोई काम देने वाला नहीं है। और आपके जीवन में बुराई नहीं है, आपके कर्म अच्छे हैं, जीवन अच्छा है, तो ताबीज की जरूरत नहीं है। आपको अपने कर्मों पर भरोसा होना चाहिए। यदि आपका कर्म ही खराब है तो कुछ काम नहीं आएगा। आप लाख देवी देवता मना लो, कोई काम नहीं आएगा, कोई ईश्वर देवी देवता कुछ भी काम नहीं आएंगे। और कर्म अच्छा है तो फिर देवी देवता की जरूरत नहीं है। और असली देवी देवता मनुष्य प्राणी ही है, असली देवी देवता मनुष्य ही है। इधर बैठे देवता देवी लोग हैं, उधर बैठे देवता लोग हैं। घर में यदि आदमी को मनुष्य को देवता देवी देवता समझ लिया जाए तो बाहर से देवी देवता की जरूरत नहीं है। आप अपने घर को मंदिर बनाइए, फिर बाहर मंदिर की जरूरत नहीं है। यदि घर के देवी देवता का चरण स्पर्श करते हैं तो आपके घर के देवी देवता आपको आशीर्वाद देते हैं। और मंदिर में जाकर के आप चरण स्पर्श करिए, आपको आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है।
आपको आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। ये तो आज बिजनेस चल चुका है इस दुनिया के लोगों की। आज भारत देश एक ऐसा देश है जो आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो मंदिर बना करके बैठ जाए बस। इतना निकम्मा हो चुका है भारत देश, जो कुछ नहीं कर सकता एक मंदिर बना करके बैठ जाए, पूजा चालू हो जाएगी, अर्चना चालू हो जाएगी, पैसा मिलना चालू हो जाएगा। ये भारत देश की स्थिति है। आज आपके ही गांव में जितना स्कूल नहीं है, जितना हॉस्पिटल नहीं है, उससे कहीं ज्यादा आपके गांव में मंदिर है। और इतना मंदिर होने के बाद में इतना अन्याय, इतना अत्याचार। क्या मंदिर के भगवान लंगड़े हैं? क्या मंदिर के भगवान गूंगे हैं? क्या मंदिर के भगवान बहरे हैं? क्या मंदिर के भगवान निठूर हैं जो इतना अत्याचार हो रहा है उसको नहीं रोक पा रहे हैं? आपसे मैं प्रश्न करता हूं, क्या आपके भगवान इतना कमजोर हैं? इतना सताया जा रहा है आज भारत देश में लोगों को, पर भी वो भगवान बैठे देख रहे हैं? भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए, तराशते जाइए जीवन को। एक घटना बताऊं मैं आपको। एक व्यक्ति गुजरते गुजरते एक संत के पास जाते हैं और संत के पास जा करके बहुत दुखी व्यक्ति पूछता है, हे भगवान, संत महाराज जी, मेरे जीवन का मूल्य कितना होगा आप बता सकते हैं? आप सभी लोग अपने जीवन का मूल्य अदा कर सकते हैं, यहाँ पर अपने मूल्य आप पहचान सकते हैं, आपका मूल्य क्या है इस घटना के हिसाब से? व्यक्ति कहते हैं, फिर संत कहने पर संत कहते हैं, तुम अपना मूल्य जानना चाहते हो, बात छोड़ दो, मैं तुमको जो कह रहा हूँ वही करना। वो व्यक्ति करता क्या है, संत के कहने पर एक संत उनको पत्थर देते हैं, बेशकीमती पत्थर, और पत्थर देते हैं और कहते हैं इस पत्थर का सिर्फ रेट पता करके आना, इस पत्थर को कहीं बेच मत देना। वो आदमी घर से निकलता है, महाराज जी के पास से निकलता है, और जैसे ही निकलता है उनको एक कबाड़ वाला व्यक्ति मिलता है, कबाड़ लेने वाले, लोहे टीपे लेने वाले। उनसे पूछते हैं इस पत्थर का क्या रेट लगाएंगे? वो पत्थर कबाड़ लेने वाला कहता है, आपके पत्थर को मैं लोहे के भाव पर खरीद सकता हूँ और 20 रुपये तक खरीद सकता हूँ। वो आदमी आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, एक सब्जी वाले के पास पूछते हैं, सब्जी वाले कहते हैं, आपके पत्थर बेशकीमती दिख रहे हैं, इसलिए आपके पत्थर को मैं सबसे कीमती सब्जी हो उस रेट पर खरीद सकता हूं, और मेरे पास कीमती सब्जी में 40 रुपये तक का है, उस रेट में ले सकता हूँ। आदमी को संतोष नहीं होता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, एल्युमिनियम के दुकान में जाता है, एल्युमिनियम वाले कहते हैं, तुम्हारे कीमत पत्थर का मैं एल्युमिनियम के भाव दे सकता हूँ। आगे और बढ़ता है, पीतल के दुकान में, पीतल के दुकानदार कहते हैं, तुम्हारे पत्थर को मैं पीतल के भाव पर ले सकता हूँ। और आगे बढ़ता है और चांदी के दुकान में जाता है, वही पत्थर है, लेकिन चांदी के दुकान में जाने पर चांदी के दुकानदार कहते हैं, तुम्हारे पत्थर को मैं 40,000 रुपये किलो तक खरीद सकता हूँ। वो आदमी को संतोष नहीं होता है और आगे बढ़ता है, सोने की दुकान में जाता है, कहते हैं, तुम्हारे पत्थर को 40,000 के मैं 4,00,000 रुपये तक दे सकता हूँ। इतना में और आगे बढ़ता है, छोटा सा दुकान में चला जाता है हीरा का, वो कहते हैं, तुमको इस सोने इस कीमती पत्थर का मैं 1,00,00,000 रुपया दे सकता हूँ। वो आदमी को संतोष नहीं होता और एक बड़ा सा दुकान हीरा का व्यापारी है उसके पास जाता है। हीरे के व्यापारी कहते हैं, तुम्हारे पत्थर का कोई रेट अदा नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे पत्थर इतनी बेशकीमती है, इतनी कीमत है पत्थर की कि तुम अपने इलाकों को बेच दो, पर भी इस पत्थर का रेट कोई नहीं दे सकते, क्योंकि सिंपल पत्थर, साधारण पत्थर नहीं, आत्मीय बंधु पत्थर हीरा था। एक घटना, पूरी घटना घटने के बाद में व्यक्ति संत के पास आते हैं और पूरी घटना बताते हैं, यहाँ ये रेट में गया, यहाँ ये रेट में गया। संत कहते हैं, हे अभ्यासगत, तुम अपना कीमत जानना चाहते हो? यदि तुम शराबी के साथ में रहते हो तो तुम्हारा जीवन शराबी के कीमत के लायक होता है, जुआड़ी के साथ में रहते हो तो जुआड़ी कहलाते हो, और वकील के साथ में जाते हो तो वकालत करने वाले कहलाते हो, मास्टर के साथ में जाते हो मास्टर कहलाते हो, और कहीं जज के साथ में जाते हो तो जज बन जाते हो, और कहीं अच्छे इंसान के साथ चले जाते हो तो तुम्हारा कीमत बढ़ता चला जाता है, तुम अच्छे इंसान बन जाते हो। संग करते करते यदि तुमने संत का संग कर लिया, संत का वेश धारण कर लिया और जीवन को बदल दिया, पूरा पूरा परमार्जित कर दिया, तो तुम्हारा कीमत इतना बेशकीमती हो जाता है कि तुम्हारा रेट, तुम्हारा कीमत कोई अदा नहीं कर सकता है। इस दुनिया में हीरे मोती सब कुछ तुम्हारे लिए फीके पड़ जाएंगे, इतने कीमती तुम्हारा जीवन है। आप अपने जीवन को तराशिए, आज अवसर मिला है तराशने का, लड़ने और झगड़ने में जीवन को बर्बाद मत करिए। आज अवसर मिला है, नर्तन मिला है,
मैं पहले कल भी कहा था, ये जीवन है और जीवन में गीत लिखो या गाली सब तुम्हारे हाथों में। क्या लिखना चाहते हैं अपने जीवन में? क्या आप अपना कीमत इतना ही एक जुआड़ी कहलाने लायक? क्या आप अपना कीमत इतना ही कि सास बहू में झगड़ा लड़ने लायक कहलाते हैं? क्या आपका कीमत इतना ही है कि अपने ही जीवन को नहीं समझ पाए आप, अपने ही जीवन की महानताओं को नहीं समझ पाए? बाहरी आडंबरों में, बाहरी कर्मकांड में, बाहरी पाखंड में अपने जीवन को बर्बाद कर दिए आप। इतना स्वच्छंद विचार होने के बाद में, सद्गुरु कबीर जैसे महान योद्धा का विचार होने के बाद भी आपने अपने जीवन का परिमार्जन नहीं कर पाए, अपने जीवन को तराश नहीं पाया, तो और कहां तराश सकते हैं? एक ऐसा कबीर मंच है जहां सद्गुरु कबीर के विचारों से जीवन को आप तराश सकते हैं। बाकी जगह तो भ्रांतियां चलती है, कर्मकांड चलते हैं, पाखंड चलते हैं। गुरु मात्र मिलने से मुक्ति बताते हैं, गुरु से दक्षिणा चढ़ाने से मुक्ति बताते हैं, गुरु आश्रम में जाने से मुक्ति बताते हैं, गंगा स्नान करने से मुक्ति बताते हैं। लेकिन ये सद्गुरु कबीर का मंच है जहां सिर्फ आपको अपने विचारों से जोड़ते हैं, आपको अपने आत्माओं से जोड़ते हैं, आपको अपने जीवन के शुद्धि की बात कहते हैं, आपके अपने कर्मों के सुधार की बात कहते हैं, आपको अपने जीवन को परिवर्तन करने की बात कहते हैं, आपको अपने जीवन को तराशने की बात कहते हैं। एक उदाहरण दो फिर अपनी बात समाप्त करूं। आप अपने जीवन को जितना ही व्यवस्थित जीते हैं उतना ही आप महान बनते चले जाते हैं। आप प्रेम की जिंदगी जिए घर में, घर के माहौल बदल दीजिए। यहाँ से जाने के बाद में, सत्संग से जाने के बाद में आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और परिवर्तन नहीं आए तो क्या किया आपने? एक कान से सुने एक कान से निकाल दिए और समय को बर्बाद कर दिए आप। समय को बर्बाद किए मतलब जीवन को बर्बाद कर दीजिए। 5 मिनट यदि आप समय बर्बाद करते हैं तो आपका जीवन का 5 मिनट बर्बाद होता है। मैंने कहा कि आप तराशते जाइए, अपना कीमत समझिए। यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित है जिसमें बिजली के तार में, जिसमें 220 वोल्ट से 240 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित है और उसमें हम बल्ब लगाते हैं तो 0 वाट का बल्ब लगाते हैं तो कम प्रकाश करता है। 5 वोल्ट का बल्ब लगाते हैं थोड़ा और प्रकाश करता है। 10 वोल्ट का लगाते हैं और प्रकाश करता है। 50 वोल्ट का लगाते हैं और प्रकाश बढ़ता चला जाता है। 500 वोल्ट का लगाते हैं और प्रकाश बढ़ जाता है। और यहीं कहीं 1000 वाट का बल्ब लगा देते हैं तो कुछ चकाचौंध हो जाता है, जैसे दिन के उजाले हो गए। हमने विद्युत धारा को नहीं बदला है, विद्युत धारा में करंट प्रवाहित है उस धारा को नहीं बदला है। हमने क्या किया है? सिर्फ बल्ब बदलते गए। हम सबके सबके जीवन में विद्युत धारा मिली हुई है, वही 24 घंटा, वही दिन, वही रात, वही समय, सब कुछ के हम सबके लिए विद्युत धारा मिला है। हम क्या है? सब बल्ब की तरह है और इसी बल्ब की तरह है। कुछ लोग बल्ब की तरह प्रकाश हो करके दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं? 0 बल्ब भी नहीं बन पाए बल्कि अपने जीवन को शराब, गांजा, तमाम गलत चीजों में पी पी करके जीवन में लोटते पोटते जीवन बर्बाद कर देते हैं। आप कितना महत्व है आप अपने जीवन को समझिए। इसलिए तराशते जाइए जीवन को, आपका जीवन महान हो जाएगा। मैंने कुछ देर कहने का प्रयास किया, अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।